हाँ भाई अंबो कहजू भाई आप अंबा का हुकम सुनिए तो तू देख कैमरा मैन थो वट जा ला रहे कैमरा रे जा वट जा रहे शर्ट चेंज करो चलो भाई चेंज करेंगे कल दिख जाऊंगा टेंशन मत लो लाइट चालू है चलो भाई एक्सेल के अंदर फॉर्मूला सब कंप्लीट है आप सभी के गणपत क्लियर है बार कोड का फॉर्मूला बता चलो भाई लिख देते हाथों हाथ लिखना बहुत एक मिनट को अब यहाँ पर हूँ मेरे को सबसे ऊपर जाना तो कैसे जाऊँगा कौन बताएगा हाथ खड़े करना सिर्फ ये लास्ट वाला टॉपिक है मेरे को तुरंत ऊपर जाना एक नंबर पे तो मैं कैसे जाऊँगा किस किस को याद है रिश याद नहीं है रमेश है अंबा बढ़िया ठीक है कांति बता सिर्फ एरो की चलो एरो की एक एक जा रहा हाँ सबको याद है जैसे कंट्रोल दबाया वो ऊपर गया एक नंबर पे आ जाएंगे इसमें रो की संख्या कितनी है हाँ बता रमेश बताएगा कोई बोलेगा नहीं सिर्फ रो की संख्या बताना रोने वाले रो नहीं है एक्सल की रो है को देखेगा नहीं बिना देखे देखना तो है देख के तो मैं भी बोल सकता हूँ देखेंगे कैसे नहीं याद हरीश दस दस लाख आगे कि उसकी परफेक्ट संख्या है ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा होती है बार बार ये नहीं है उसकी संख्या फिक्स है कि इतनी रहेगी तो इतनी ही रहेगी उससे ना तो आगे जाएगी ना कम रहेगी हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है 576 1,48,576 अब कॉलम की संख्या कितनी है सकता बता 16,000 बता 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 इसका मतलब ये अगर याद नहीं है तो इसका मतलब फॉर्मूला आपको याद एक भी नहीं ये मैं हकीकत कहता हूँ क्योंकि सबसे सरल टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर का बेसिक एक्सेल का पूछा है और वो तो आगे तो एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले बेसिक एक्सेल के नहीं है वो एडवांस एक्सेल जो जितने भी फॉर्मूले पढ़े सब एडवांस एक्सेल के आप सोचेंगे क्या है तो नॉर्मल है वो नॉर्मल नहीं है नहीं याद 16,384 किसकी संख्या है कॉल चलो भाई अब बार कोड का फॉर्मूला कौन बताएगा बताओ है चलो भाई बार कोड का फॉर्मूला कौन बताएगा कांति बता बराबर हो गया डबल कॉमा इंटू डबल कॉमा चलो माइनस है चलो एंड है चलो माइनस एंड माइनस एंड चलो भाई माइनस एंड डबल कॉमा इनटू पहले माइनस किसने बताया माइनस तो मैंने किसी फॉर्मूले के अंदर बताया ही नहीं था दे बताया कभी किसी फॉर्मूले के अंदर एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जिसके अंदर मैंने माइनस बताया क्योंकि मैं माइनस निकाल के ही फॉर्मूले बनाए थे आपके लिए तो माइनस में ही गड़बड़ होती है माइनस में बताऊंगा तो डाबा सुख हो जाएंगे इसलिए पहले से आपने देखा एक फॉर्मूला लिखा था मैं लास्ट में वी लुकअप के अंदर उसमें रो करके डबल कॉस्टक किए थे उसके अंदर माइनस आते थे चार कितने माइनस आते थे चार लेकिन उसकी जगह मैंने क्या किया कॉस्टक बंद करके जीरो बना दिया था
माइनस में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो माइनस मैंने एक भी फॉर्मूले के अंदर नहीं बताया, आपको याद हो तो। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जिसके अंदर मैंने माइनस बताया, एक भी फॉर्मूले के अंदर नहीं बताया, क्यों पहले से मैंने निकाल दिए थे फॉर्मूले। क्या माइनस के आधार पर चलते हैं तब आपके डाटा उधर उधर होते, कब, जब हमारा फॉर्मूला थोड़ी सी कॉमा की प्रॉब्लम की वजह से। अब मैं रो के साथ माइनस लगाता तो आपका वो रिजल्ट नहीं आता वैल्यू कब के अंदर, लेकिन माइनस यहाँ पर नहीं आएगा, क्या आएगा? हाँ बताना बताना राइट करियो बता। एक मिनट आप बताइए। चलो किसको सेलेक्ट करें, यहाँ तक ठीक है ना? तो बोल, रुको जरा सब्र करो, एक मिनट रुकना, इनको बोलने दो लास्ट है। चलो किसको सेलेक्ट करूँ, संख्या को। चलो सेलेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ, अब बताओ एंड। चलो भाई एंड, हैं दोनों जनों की मिली भगत करके किसको सेलेक्ट करूँ। चलो संख्या को, अब सिंगल कोमा डबल कोमा, चलो सिंगल, कोई बोलेगा नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ बोलो नहीं आ रहा, आप बताइए नहीं आ रहा। हाँ ऐसे बोलो खुला भाई, नहीं आता नहीं आना। हाँ बता प्रताप, वापिस एंड डबल कोमा इनटू डबल कॉम, इसका मतलब आपने नकल की। अच्छा तो आगे तो वो बोल रही थी तो पहला ही नहीं हमने गाया था आगे थी आपने नकल की, मैं लिख के देता हूँ ना की हो तो। अच्छा देखो हो गया, अब ये अब क्या करना आपको, लैंग्वेज चेंज यहाँ पर। अब इसका लैंग्वेज का क्या नाम था, लिब्रे आ गया, जैसे एंटर करता हूँ तो ये आ गए, वो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद है किसी को? अब माना कि जो ये बार कोड है इसके नीचे मेरे को संख्या चाहिए, सिर्फ बार कोड, यहाँ पर जाओ, अब यहाँ पर लिख दो बार कोड, आ गया। अब देखो इसके पीछे स्टार है, इसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? हाँ राइट, फॉर्मूले के अंदर। चलो भाई फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर क्या करना, स्टार की जगह जीरो और दूसरी स्टार की जगह जीरो। अब कर दो एंटर, आ गया, आया समझ में? कर लोगे ये, कोई डाउट भाई? फॉर्मूला का प्रैक्टिकल करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे, मेरे को भी जिम्मेदारी नहीं है। चलो भाई अगला नेक्स्ट टॉपिक था अपना पीपीटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, हैं परिभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका परिचय दीजिए तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक वर्ड का? हाँ एक मिनट इनको बोलने दे, इनसे भी पूछ रहा हूँ, बोलो उसका क्या नाम था, आई एन से शुरू होता है, स्पेलिंग आवे, स्पेलिंग बोल, स्पेलिंग आवे, स्पेलिंग बोल दे, बाकी बोल हम देंगे। आई एन, इसको इसको हम पढ़ेंगे कैसे, किसी को पता है? बुद्धा बता, परिचय देना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देना मतलब नहीं, सिर्फ वो बता दो उसको हम क्या बोल देंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत है, क्योंकि कल मैं एक जगह गया था, है इंट्रोडक्शन है, और चलो भाई अब आता आपका पीपीटी, और पीपीटी को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको रन कमांड का उपयोग करना पड़ेगा, विंडो के साथ आर प्रेस, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। इसका जो विंडो की नाम क्या है, इसका जो हम सर्च करते हैं विंडो से यानी कि रन कमांड से, इसका प्रश्न नाम क्या है, पावर पी एन टी,
पावर पी एन टी, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। नाम ध्यान है, ऐसा नहीं कि आप वहां जाके लिखोगे पावर पॉइंट 2010 तो नहीं आएगा, आप पूरा पावर पॉइंट लिखोगे तो भी नहीं आएगा, एमएस पावर पॉइंट लिखोगे तो भी नहीं आएगा। इसका पर्सनल नाम है पावर पी एन टी, पावर पी एन टी, ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, ये कल हो चुका था, इंट्रोडक्शन हो चुका था इसका, पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट है। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब मेरे को क्या करना, सबसे पहले इसके अंदर अलग अलग स्लाइड चाहिए। अब माना कि यहाँ पर तो एक स्लाइड है, अब एक स्लाइड से तो काम होगा नहीं, कम से कम 5 या 10 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक के अंदर पीपीटी कभी बनाते नहीं। अगर एक की ज़रूरत होती तो हमारे पास वर्ड है, वर्ड पेड है, नोट पेड है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपको कहीं पर भी सेमिनार लेना है, सेमिनार का मतलब होता है कहीं पर मीटिंग लेना है, लाइव मीटिंग लेना और लोगों को बताना है इसके बारे में, तो आप पीपीटी हमेशा साथ में रखें। और पीपीटी रहती है आपके किसी भी स्क्रीन पर चलती है, और उसके आधार पर आप किसी को भी बताते हैं। कई बार क्या रहता है कि आप एलसीडी पे, आप स्क्रीन पे चढ़ रहा है, पूरे पूरा डाटा चढ़ रहा है, और उसके आधार पर लोगों को समझा रहे। जैसे कि किसी का भी यहाँ पर आ चुका है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, ये आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में ये सिर्फ हिंट है। अब हिंट के अंदर आपको क्या, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी चैप्टर का टाइटल दो, किसी भी चैप्टर का शीर्षक दे दो, या सब हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, बहुत सारा डाटा आ जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी होना है, हेडिंग। अब आपके पास कोई हेडिंग दे दी है तो उसके आधार पर आप जो बोलना चाहते हैं वो आप आराम से बोल सकते हैं। लेकिन आपको पता भी नहीं है बोलना क्या है, पता भी नहीं है बोलना क्या है, हिंट आपके पास नहीं है, तो आप बोल नहीं पाओगे। जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि ये जो कंप्यूटर है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन करिए, तो आपको पता ही नहीं, पहली बार देख रहे तो आप बता नहीं सकते। लेकिन आपके पास पीपीटी होगी तो आप आराम से बता सकते, क्योंकि उसको देख के बता सकते। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ये कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है, उसके बाद बोल सकते हैं कि ये 0 से 1 लगाकर संख्या को चालू रखता है, यानी कि काम करता है। उसके आधार बोलेंगे इसका उत्पत्ति कब हुई और इसका जो उत्पन्न लैटिन भाषा कौन से शब्द से हुआ, पूरा डिटेल होती है, तो उसके आधार पर आप बोल सकते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति कौन से लैटिन भाषा के शब्द से हुई थी। अम्बालाल बताएगा आज, दो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई थी कंप्यूटर की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, और कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, संगणक। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यह प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, हर साल हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, ये एक यांत्रिक मशीन है और इस कंप्यूटर का नाम है संगणक। ठीक है, लेकिन कौन से शब्द से लिया गया, कंप्यूटर से, पूछियो कंप्यूट शब्द से, कंप्यूटर की उत्पत्ति होती है कंप्यूट शब्द, और कंप्यूटर का निर्माण 1800 शताब्दी के अंदर हो गया था, जो पहले कंप्यूटर था अबेकस, जिसके अंदर पारे होते थे, पारे पारे होते, उसके आधार पर उसके अंदर पहले बैटरी आती थी अपने पास, अब तो नहीं आती, अब तो बंद हो चुके, बैटरी आती, बैटरी में देखे पारे ऊपर नीचे होते थे, तेज आप डालते तब उसमें अलग दिखते कि कितो पारो ऊपर है कितो नीचे हो, वो आते खा पड़े कि बैटरी फुल है डिचार्ज, पता चलता था। उसी आधार पर कंप्यूटर की गणना होती थी, लेकिन आजकल देखो बैटरियाँ वो बंद हो चुकी है, उसके अंदर डिजिटल रूप में आ चुकी है, उसके अंदर कोई पावर वावर नहीं होता है, उसके अंदर डायरेक्ट प्लेट होती है जो बनी होती है प्लेटिनम की या फिर एल्यूमिनियम की, अलग अलग टाइप की होती है। लेकिन उसके अंदर अभी भी ऑयल तो डाल, क्या डालते हुए तेजाब डालते शायद, तेजाब डालते हैं, तेजाब क्या ना अलग, बैटरी का पानी अलग आता है, तेजाब नहीं होता वो अलग आता है, नॉर्मल पानी आता है अलग आता है, पानी एसिड नहीं होता, एसिड जला देता पूरा साफ कर देगा। ठीक है, एसिड कभी मत डालना गलती से भी, नहीं तो अंदर से वो फूल के बाहर आएगी कि हाँ देखो सुबह सुबह सामान आया बाहर, हाँ उसके अंदर प्लेट बाहर आ जाती, क्यों प्लेटें बहुत मुलायम होती है, जैसे उसके अंदर तेजाब गया तो वो कई काम से। लेकिन आपने कई बार देखा होता है कि बैटरी को आप ओपन करते हो, खोलते हो उसको तेजाब डालने के लिए, कई बार वो पानी ऊपर आता है जाग बन के, जाग हमेशा क्यों बंद पता, वो प्लेट क्या करती है, पानी, उसी पानी से बैटरी लाइट करंट फेंकती है, उस करंट की वजह से वो फूल जाती है। ठीक, कई बार बैटरी फूल जाती ज़्यादातर उसी वजह से फूल, बाकी नहीं कोई फूलती है, ऐसा नहीं कि उसको मतलब कोई और प्रॉब्लम है, वो क्या करती है करंट एक दूसरे को देती है उसके आधार, तो वो कंप्यूटर उसी आधार पर बना हुआ था। लेकिन अब कंप्यूटर डिजिटल हो चुके तो उसका कोई देख शायद दिखने को मिलता भी नहीं, कहीं दिखने को कहीं पर भी मिलता है, वो बैटरी पर नहीं मिलती, अब कंप्यूटर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बैटरी भी बंद हो चुकी है,
पहले आती थी पारे वाली, देखी हुई सबने, देखी हुई शायद तक सबने देखी हुई, जैसे पांडाला पारे ऊपर बैटरी चार्ज कर देखता पारा ऊपर सोड़ला तो मतलब फुल चार्ज, डाउन है तो बैटरी डाउन। क्या हुआ? हाँ अब नहीं आती, अब तो बंद हो चुका, अब तो लगभग शायद देखने को भी नहीं मिल, दर्शन करने को भी नहीं मिलती। ठीक है, उसी आधार पर आपका कंप्यूटर बना हुआ था। अब चलो, अब माना कि मेरे पास ये एक ही स्लाइड है, हमारे पास क्या है एक स्लाइड, मेरे को एक से ज़्यादा स्लाइड चाहिए, तो कौन बाका क्यों फाड़े रे क्यों आवे बेटो करोना क्लास में कम से बागा बागा मिनट मिनट बागा फाड़े। देख एक जो नौबासी का ना तकला नौबासी आ रही, मारे नौबासी आ जाए तो ये हकीकत है, ये बोले एक तरीका रो संक्रमण रोग है कारण की करिए। हाँ चलो भाई, अब देखो अब यहाँ पर मेरे को क्या करना, एक से ज़्यादा स्लाइड लाना है, आवाज़ नहीं कर अब, एक से ज़्यादा स्लाइड लाना, तो हम कैसे लाएंगे, तो अब यहाँ पर देना कंप्यूटर के अंदर, यहाँ पावर पॉइंट के अंदर कोई एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट मिक्स में चलेगा, यानी कि खिचड़ी पकेगी यहाँ तो डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या करना आपको, किसी ने बोल दिया मेरे को स्लाइड चाहिए, तो आपको जाना यहाँ पर स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, और इसके अंदर न्यू स्लाइड, अब इनमें से न्यू स्लाइड ले लो आप, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले लो, आपके पास बहुत सारी दे रखी है, इनमें से कोई भी ले लो, जैसे कि मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, तो इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब किसी ने बोल दिया इसका लेआउट चेंज करो, लेआउट, ठीक है, तो यहाँ पर लेआउट का भी ऑप्शन है, यहाँ से कौन सा लेआउट चाहिए वो आप लेआउट यहाँ से ले, जैसे कि ये मैंने कर दिया तो इस प्रकार का लेआउट बन जाएगा। अगर मेरे को स्लाइड एक से ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करते जाओ, जितनी भी चाहिए वो आप अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो भी आपने डिज़ाइन दी उसको रिसेट करना, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी दिया नहीं तो रिसेट कुछ भी होगा नहीं, क्योंकि अपन जब भी डिलीट डाटा देंगे अंदर तब उसके बाद ये शुरू होगा कि इसके अंदर आपको रिसेट क्या करना है। हाइड नहीं रहता, जरूर थोड़ी सब हाइड रहे, जरूरी नहीं होता, किसी के अंदर होता है किसी के अंदर नहीं होता। अब देखो यहाँ पर सब हाइड है, यहाँ पर हाइड है लेकिन किसी और में था ही नहीं हाइड, वर्ड में थे हाइड क्या नहीं थे, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसका भी उपयोग होता है। कब उपयोग होता है, जब ये खुलेंगे, क्या कब खुलेंगे, जब हम कुछ करेंगे इसके अंदर तब। ठीक है, ठीक, देखो अब उसके बाद रिसेट और सेक्शन, सेक्शन किसी के बीच में, जैसे कि मेरे को कुछ जोड़ना है यानी कि कोई टाइटल देना है, जैसे मैं यहाँ पर ऐड सेक्शन करूँगा तो यहाँ पर देखो अनटाइटल सेक्शन आ चुका, लेकिन इसका पूरा पूरा विवरण देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, एनिमेशन और स्लाइड के अंदर कि आखिर ये होता क्या है। अब किसी ने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पर ये जो डिजाइन है इसकी मेरे को चेंज करा और डिजाइन मेरे को अलग चाहिए, अब देखना खुल गया ये, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा कि अब टाइप करो कुछ भी, जो भी आपको लिखना वो यहाँ पर टाइप करो, अब एंटर करो अपने आप आता रहेगा, एंटर करो अपने आप आता रहेगा, एंटर करते हो अपने आप आता रहेगा, यानी कि इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिखना तो भी सेम, यहाँ पर भी लिखो एंटर करो, यहाँ पर लिखो एंटर करो, उसके बाद इसके अंदर भी लिखना है तो लिखो एंटर करो, लिखो एंटर करते जाओ, जो भी डाटा डालना वो आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर मेरे को डिजाइन अलग चाहिए, डिजाइन अलग चाहिए, तो हम डिजाइन को कैसे लें, कई बार आपने देखा होगा एक छोटी पत्रिका आती थी पहले, कम से कम दो तीन पेज की आती थी, अलग अलग डिजाइन बनी, वो पीपीटी होती, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने वर्ड के अंदर बना दिया और प्रिंट कर दिया, ऐसा नहीं है, वो पीपीटी के अंदर ही बनी होती है, उसको डायरेक्ट प्रिंट किया गया है, न कि उसको वर्ड के अंदर बनाया गया है, डायरेक्ट आप पीपीटी के अंदर जाओ, या यदि आपके पास पहले से फॉर्मेट बना हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ क्या करो डाटा डाल दो, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो पहले फॉर्मेट तैयार करो उसके बाद डाटा डालो, तो भी आप आराम से इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद रहता है किसी ने बोल दिया कि मेरे को यहाँ पर बढ़िया सी डिजाइन चाहिए, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिजाइन का, डिजाइन, अब जैसे मैं डिजाइन पर जाऊँगा तो आपको यहाँ पर देखना है, किसी और जगह देखना नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये वाला, बहुत सारी डिजाइन दे रखी है, इनमें से जो भी आपको पसंद है वो डिजाइन यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि ये वाली डिजाइन है, ये वाली है, कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद है वो, जैसे कि सबसे ज़्यादा पसंद लोग ये करते हैं ये वाली, तो ये भी आप ले, क्योंकि फुल डा भी आया रहा मस्त, मतलब आप खुद भी बना सकते हो और बनी हुई भी आप ले सकते हो, बनाने के लिए आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी वर्ड के अंदर, जैसे कि हमने एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाया था, तैयार किया था अलग से, तो ऐसे ही इसके अंदर भी तैयार करना
पर ऐसा नहीं कि आपको पहले से ऐसे अलग अलग बनी हुई होती है, बनी हुई सिर्फ फॉर्मेट होते, दो चार ही फॉर्मेट होते, ज़्यादा फॉर्मेट है नहीं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वाले सिर्फ फॉर्मेट इतने ही होते हैं, इतने ही होते हैं। तो इनमें से जो भी आपको पसंद है वो फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। अब जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिख दो, अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर कर दो। किसी ने बोल दिया इस वर्ड को मेरे को घुमाना है जलेबी की तरह, तो हम कैसे घुमाएं? किसी ने बोल दिया मेरे को ऐसा चलाना, आपने वीडियो में देखा होगा वीडियो चढ़ा नीचे अपना पट्टी चढ़ी लिखा हुआ चलता रहता है, तो वो हम कैसे चलाएं? माना कि मेरे को एक एक वर्ड वो बोला कि डॉट डॉट गिरना चाहिए नीचे ऊपर से पानी की तरह, तो वो हम कैसे बनाएं? सब के सब बनेंगे इसी के अंदर। PPT बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PPT के द्वारा हम कुछ भी पैम्पलेट बना सकते हैं, PPT के द्वारा हम शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देखो होंगे इंट्रो वीडियो, नाम सुना तो इंट्रो वीडियो, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनको पता होगा, बाकी वालों को पता नहीं। जिससे इंट्रो वीडियो का मतलब होता है कि आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि चैनल के बारे में, चैनल क्या नाम है, क्या काम करता है इसके अंदर वो, या फिर उसके लिए बताते हैं कि इस चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करो, ये होता है। यानी इस प्रकार इंट्रो कैसे बनाए, तो इसके अंदर बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर इंट्रो वैसा नहीं बनेगा जैसा आप अलग एप्लीकेशन से बनाते हैं मोबाइल के द्वारा, इसमें बनेगा इसके अनुसार, अपने अनुसार बना नहीं सकते, बना सकते लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट जोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर किसी ने बोल दिया इस वर्ड को मेरे को घुमाना है, ये वाला ये वर्ड दिखाई दे रहा है, इसको मेरे को घुमाना है, तो आपको जाना पड़ेगा एनिमेशन के अंदर, एनिमेशन के अंदर यहाँ पर एनिमेशन, या अब जो भी जैसे भी घुमाना है ऐसा घुमा दो, तो इस प्रकार भी ये वर्ड घूम जाएगा, जलेबी की तरह घूम जाएगा। अब माना किसी ने बोल दिया कि मेरे को अलग चाहिए इस प्रकार का, तो आप देखो इस प्रकार का आ गया। किसी ने बोल दिया रोटेट करो, तो इस प्रकार का रोटेट हो जाएगा। यानी कि जिस टाइप में चाहिए उस टाइप में आप यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट दे रखे हैं, इनमें से जो भी पसंद है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कर लोगे? देखो इसके अंदर आप इससे भी बना सकते हैं, बेस्ट से भी बेस्ट, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मोबाइल में जल्दी बन जाती है, एप्लीकेशन आजकल बहुत आ चुकी है, तो इसका कोई इस्तेमाल करता नहीं अब। क्यों? मोबाइल के अंदर क्या हो गया, अब छोटी छोटी एप्लीकेशन इतनी आ चुकी है कि सरल तरीके से बन जाती है, तो अटमगद मारी कौन करे। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा हुआ 30,000 का, ठीक है, वो फालतू बेचारा पड़ा है, अब उसका इस्तेमाल भी नहीं, क्योंकि उससे भी बेस्ट बेस्ट एप्लीकेशन आ चुकी है, तो उसका कौन उपयोग करेगा। अब 30,000 खर्च करे हुए वो अभी भी फ्री पड़ा है, कोई काम का नहीं, फालतू खर्च किए, तब इतनी जानकारी नहीं, खरीद लिया था है? सब कुछ बनता है उसके अंदर, जो आपको बनाना चाहते वो। ऐसा ऐसा एनिमेशन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आप फिल्म बनाते हो ना, देखा होगा फिल्म कैसे बनाते, वो भी उसके अंदर एडिट कर सकते, पूरी पूरी फिल्म को भी। हैवी सॉफ्टवेयर है, कम थोड़ी है, वो ऐसे नॉर्मल कंप्यूटर में चलता भी नहीं है, वो आपको मिलते हैं, नॉर्मल मिलते हैं, मिलते हैवी नहीं मिलते। आप सोचते हैं कि आपको ओपन शॉट फिल्म और वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो हैवी नहीं होते, इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत लो होती है। आप सोचते हैं कि आप फ्री है क्या, सॉफ्टवेयर फ्री है, फ्री सबको, कंपनी वाले ऐसे थोड़ी बैठे फ्री देने के लिए, उनको नॉलेज है कि फ्री देखेगा, दो बार यूज करेगा, उसके बाद उसकी आदत पड़ जाएगी इसके अंदर करने की, तो मरेगा, मरता खरीदेगा, इसलिए वो फ्री में देते हैं। फ्री में कोई नहीं देता है, क्योंकि उसने मेहनत की, खर्चा किया है। ऐसे अगर फ्री सॉफ्टवेयर दे देंगे तो वेबसाइट पे कौन डालेगा, वो देते हैं, हैवी नहीं होता, सब होते हैं, एक भी हैवी नहीं है। जो फिल्म बनाते हैं वो हैवी नहीं होते, वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत हैवी, मतलब नॉर्मल ऐसे नहीं कि वो फ्री वाले में बना लेते हैं, फ्री वाले में कभी बनेंगे भी नहीं, और फ्री वाले में इतने इफेक्ट भी नहीं आते जितने इफेक्ट आप खरीद के लाते। उसमें मैंने जो खरीदा उसके अंदर पता नहीं कितने इफेक्ट, मैं देख देख के परेशान हो चुका, 10 दिन तो मेरे को देखने में लगा सिर्फ इफेक्ट देखने में, इफेक्ट पूरे नहीं हो रहे। और अपने मोबाइल में देख लो 10-15 इफेक्ट होते ख़त्म, ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं मोबाइल के अंदर। या फिर आप कोई फ्री ऐसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो कंप्यूटर के अंदर, 50 से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं मिलेंगे आप। मेरे पास है फिल्म हो रहा है, ओपन शॉट है, सब फ्री वाले पड़े हैं मेरे पास, 10-10 इफेक्ट है अंदर, क्या काम के। ऐसे भी होते हैं, फिल्म बनाने जाएंगे आप, हीरो बनेंगे, हीरो फिल्म के, हीरोइन तो हीरोनी ले जा, थनो आ तो हीरोनी हो बड़े, तो डांसर तो हीरोनी बन जाए, बेटो का हीरोनी कटे, हीरोनी कहीं कहना हीरा बताओ है, हीरोनी जरूरत बड़े अच्छा भाड़े लाओ, बेजन भाड़े लाओ रे, बस हमारे भाड़े लावनी पड़ी। चलो भाई।
ठीक है। अब आपको क्या करना, इफेक्ट डाल दिया। ये सिर्फ एक घंटे का टॉपिक है, मैं पूरा कर रहा हूँ आज, ये पूरा एक घंटे में कर रहा हूँ, मजाक मत ले लेना, ये पूरा हो चुका है, करे क्या। अब मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पीपीटी तो है, पीपीटी बना टाइम लगेगा, मैं बना के आपको दूंगा बढ़िया सी, पूरी कंप्यूटर की मैंने बना दी है, वैसे भी लगभग 50% बन चुकी है, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। अगर आप परफेक्ट बना जाते हैं बनेगी, इतनी जल्दी नहीं बनेगी, टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि अपन उसके अंदर, अब माना कि मैं किसने बोल लिया, इसके अंदर इफेक्ट अलग, इसके अंदर इफेक्ट अलग, सबके अंदर इफेक्ट अलग अलग लगते हैं। अब वो मोबाइल के अंदर नहीं खुलेगी, ध्यान रखना, मोबाइल के अंदर कोशिश मत करना कि अपन मोबाइल के अंदर लेके जाएंगे खोलेंगे, वो मोबाइल के अंदर नहीं खुलती कभी। कंप्यूटर आपके घर पे है तो उसके अंदर आप, मैं ईमेल के द्वारा भेज दूंगा, जो भी ग्रुप में भी भेज दूंगा, और मोबाइल के अंदर डाल देना कंप्यूटर के अंदर, तो भी आप चला सकते हो, ठीक है। और मोबाइल भी 5G होगा तब चलेगा, उसमें नहीं चलेगा, 4G में, और शायद है अब 5G मोबाइल आ चुका है, सबके पास 5G है, सही है ना। अंबा राम जी के पास पता नहीं कौन सा GB वाला, 6GB वाला है ना, 5GB नहीं है, डबल। देखो साहब है हमारे, बड़े साहब, कम थोड़ी है। चलो भाई, यहाँ तक सबके कंप्लीट है। मेरे को ज़्यादातर इम्पोर्टेंट एक्सेल का ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट नहीं जितना एक्सेल इम्पोर्टेंट है। आप इसको लेके मत बैठ जाना, ये तो बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई खास नहीं है, क्योंकि हमने वर्ड के अंदर पढ़ा वही का वही सेम है, उसके अंदर अपन खुद कट कट करके बनाते थे, और यहाँ पर डायरेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता, फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक्सेल है, एक्सेल को प्रैक्टिकल के बिना मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एक भी बार एक्सेल एडवांस पढ़ा आपने, अभी तो पढ़ना तो बाकी है, लेकिन अभी पढ़ेंगे, अगर आपकी सहमति होती तो मैं और पढ़ाऊँगा, लेकिन उसको मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ करना शुरू किया, इसमें मजे आ रहे, देखो इसमें कैसा घूम रहा है, देखो इसको घुमा दे, मजा आ लेते, इसको पकड़ लेते हैं। इंटरनेट क्लास तो ये तो पूरा होने दे, ठीक है भाई। चलो, अब किसने बोल दिया कि मेरे को ये पानी की तरह बूंद बूंद नीचे गिरनी चाहिए वर्ड, तो हम कैसे करेंगे उसको, हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, बूंद बूंद पड़का पड़े कांड हो गए रे, कौन बोलिए रे, बूंद बूंद बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, डॉट। अब देखना, अब इसके अंदर इफेक्ट डालना मेरे को डॉट वाला, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर इफेक्ट, मोर इफेक्ट कहीं पर है, कहाँ पर है, ये वाला। अब इसके अंदर कहीं डॉट दिखाई दे रहा है, देखना ध्यान से, ड्रॉप, ठीक है, ये ड्रॉप, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अब देखो हो गया, पूरा हो गया है। चलो भाई देख लेते, देख लो, पढ़े ऐसे भी पड़क सकते हैं इसको, ठीक है, पड़क सकते हैं ऐसे, पड़ेगा फटाफट। वापस देखना है तो फ्री व्यू पे जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, अपने आप दिख जाएगा किस प्रकार ये पड़ेगा, ठीक है, आया समझ में, पढ़ो, ठीक है, ऐसे पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये ड्रॉप कैप, यानी बूंद बूंद के अंदर ये नीचे गिरेगा। अगर मेरे को और भी इफेक्ट लगाने हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है यहाँ पर। अब जैसे ही जाएंगे मोर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख जाएंगे, इनमें से जो भी पसंद है वो आप यहाँ से उठाकर इसको कर सकते हैं, है, सब कुछ कर सकते हैं, आपको करने वाले होने चाहिए, है। ये इंट्रो वीडियो होता है, इसे बोलते हैं इंट्रो वीडियो, है। अब देखो, अब इसके अंदर भी कर सकते हो जो भी चाहते हो आप, जैसे ये वाला है कुछ भी ले सकते हो, यहाँ वाला फ्लीट वाला ले लो, ओके दे दो। अब प्रीव्यू देख लो, इस प्रकार हो जाएगा। अगर मेरे को और भी चाहिए, यहाँ पर जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ पर जाओ, और मोर इफेक्ट और भी चाहिए वो ले लो, जैसे भी आप चाहते हो। हो जाए मस्त है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सेल प्लस पावर पॉइंट ये करना, बाकी कुछ भी मत करना, ठीक है, कर लोगे। कल हम वापस पढ़ेंगे पूरे पीपीटी को।
पीपीटी के अंदर आखिर ऐसा क्या क्या होता है जिसको हम और भी बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ये थी आपकी सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी कि इसके अंदर इतना तो होता है, लेकिन आगे भी कुछ होता है वो हम आगे देखेंगे। आया समझ में? क्योंकि इसके अंदर कोई छोटे टॉपिक नहीं, बहुत टॉपिक है, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। टाइम कितना हुआ है? 11 बज गए, 53 सही, 10 बज गए, 11 बजे 53 काम हुआ है, 10 53 तभी मेरे को 11 53 कहाँ से हो गया? अभी 10 बजे तो क्लास, 10 बज के 15 मिनट भी क्लास लगी है। चलो भाई, ये हो गया कंप्लीट आप सभी के? कोई डाउट? नहीं डाउट अभी है, पूरा पूरा बाकी पढ़ा, कहाँ डाउट नहीं है, पहले कर ना बेटा पढ़ाया इतना तो क्लियर है। हाँ ऐसे बोलो, पढ़ाया इतना क्लियर है, बाकी वाले क्या है? डाउट है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जेठालाल जी का अगला एपिसोड, ठीक है? है थोड़ा हो जो पढ़े हो, हैंग पढ़े हो, कहीं पढ़े हो, काम पढ़े हो, किकर पढ़े हो, घना सब देना, तो मेरे पास आ जाना, मैं सिखा दूंगा सब भाषा, सब भाषाओं का नॉलेज है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं आता। चलो भाई, ये हो गया कंप्लीट आपके, उसके बाद एक्सेल का प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? भूल जाएंगे, आपको कोई याद नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। उसके बाद इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और इंटरनेट शुरू करेंगे जल्द। क्या अभी कर ले थोड़ा, समझ में आ गया क्या लेने जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे होंगे? टेंडे के बिना इसके अंदर इंटरनेट काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर देख रहा है, दे रहा आपको इंटरनेट या ना, इंटरनेट आपके पास खुद के मोबाइल के अंदर यूज करना पड़ेगा, वह भी मिलेगा आपको परसों, तैयार रहना। ऐसा नहीं आगे फिल्म डाउनलोड करना शुरू कर रहे पासवर्ड देंगे ना आपको बढ़िया वाले, टेंशन मत लो, कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, कंप्यूटर सिर्फ एक ही मिलेगा अंदर इसके, तभी तो बोलना एक के अंदर ही देंगे हम, पता है हमें क्या यूज करते हो, मैंने एक बार देख कर ये करवा दिया था यूज, हो गया नेट, देखो जुड़ते अपने आप आ गया नेट, आ गया। यदि आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं जुड़ता है तो समस्या किसकी है? टेंडे की। अगर टेंडा नहीं है, बाज़ार में आओ, 250 से लगा कर 5000 तक मिलता है, खरीद लेना। 250 वाला अगर लेते हो तो वो कभी भी उड़ सकता है, उड़ हवा में नहीं उड़ेगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, ठीक है, चलेगा नहीं, ठीक है। यदि आपका 250 में अच्छी क्वालिटी वाला आ जाता है तो कभी उड़ेगा नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ध्यान रखना। केबल लगाओ तो चलेगा, आपके पास केबल है, OTG बोलते हैं उसे, उससे भी चलेगा, USB केबल से चलेगा, आपके पास होनी चाहिए, आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, लेकिन इस्तेमाल करने के बहुत तरीके करने वाले होने चाहिए। तो वो क्या OTG तो है घंटा, USB किसको बोलते हैं? हाँ हगेज ने USB बोला, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे पास इंटरनेट जुड़ चुका है, इंटरनेट के पासवर्ड देखने हैं तो यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में जाके देख लेंगे, लेकिन अभी इसके अंदर जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो भाई, आज का तो प्रैक्टिकल आपके एक्सेल और पावर पॉइंट का है, इंटरनेट का नहीं। अब देखो, अब आपके पास कंप्यूटर के अंदर यदि ये नहीं दिखता है, आपके पास क्रोम जरूरी थोड़ी, क्रोम अंदर होगा, क्रोम अंदर कभी भी कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, फर्स्ट बार जब ओपन करते हैं कंप्यूटर उसके अंदर ये टॉपिक नहीं होता है, उसके लिए रहता है कंप्यूटर के अंदर एक अवेलेबल जिसका नाम है कंप्यूटर के अंदर एक्सप्लोरर। यहाँ पर जाएंगे, एक्सप्लोरर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किस काम आएगा ये? सर्च करने का, सरस नहीं, सर्च करने का, सरस तो अलग होता है, सरस तो वो कर दे जो कि जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है, क्या नाम है? EXX अच्छा ऐसे लिया मैंने, दिखाई नहीं दे रहा, EXX एक्सप्लोरर, ठीक है। यहाँ दिखा हुआ देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी दोनों में से एक ओपन कर लेना है और ओके दे देना है, ठीक है,
कुछ भी नहीं करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एलन मस्क आ गया, दुनिया का सबसे डेंजरस मैन, पता है कौन है, जानते हो इसके बारे में, जिसने ट्विटर का सीईओ जो कि भारतीय आदमी था प्राग अग्रवाल, इसको निष्कासित कर दिया, 346 करोड़ रुपये देके निकाल दिया इस बंदे ने। और ये दुनिया का इतना खतरनाक इंसान है जो दुनिया का पहला तो करोड़पति है, उसके बाद ये इतना रिस्की आदमी है जितना दुनिया के अंदर कोई रिस्की आदमी नहीं। रिस्की मतलब किसी भी काम को करने के लिए वो रिस्क ले लेता है, चाहे उसमें घाटा हो चाहे मुनाफा हो, इतना ये बंदा पावरफुल है, ठीक है। और इसने 16 साल की एज के अंदर गेम बना दी थी, मोबाइल के अंदर गेम वीडियो बना दिया था कंप्यूटर के अंदर, और वो $500 के अंदर बेच दिया था पहला ही पहला। और उसके बाद इसने जर्नी शुरू की किताबों के द्वारा, इसने पढ़ाई इतनी नहीं की हुई, आप सोचते हैं बी ए बी एड वगैरह से की होगी, लेकिन इस बंदे ने इतनी डिग्रियाँ नहीं की, लेकिन इसके डाउन में पूरे विश्व के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चलती है, खुद बंदा डिग्री वाला नहीं है, और लेकिन इसके नीचे जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो चलती है, और पता नहीं कितनी पूरे विश्व के अंदर यूनिवर्सिटी इसकी, हर देश के अंदर इसकी ब्रांच है, कम से कम दो दो, भारत के अंदर दो ब्रांच, एक नाम सुनाओ ज्ञान विहार जो जयपुर के अंदर है, एक दिल्ली के अंदर, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, दो तो भारत के अंदर मेरे खुद को पता है, बाकी और भी होगी तो पता नहीं कितनी है, ठीक है। मतलब हर देश के अंदर इसकी कंपनियां हैं, और चाइना के अंदर तो पूरा भरा हुआ पड़ा इसका तो पूरा काम, यूएस का, अमेरिका का बंदा ये, ठीक है। और बंदा इतना रिस्क है, इतना दुनिया के अंदर कोई रिस्क ले भी नहीं सकता है, छोटी सी है, ठीक है। अंबालाल जाएगा अमेरिका के अंदर, इसको मारेगा जाके, है ना, सपनों है, इसके बाद चला जाना करोड़पति बना देगा एक घंटे के अंदर। टेस्ला नाम सुना, टेस्ला टेस्ला कंपनी दुनिया की नंबर वन कंपनी इसकी है। चलो भाई, इसको देखने से पहले अपन देखेंगे क्रोम को डाउनलोड कैसे करें। सबसे पहले अब क्रोम को डाउनलोड करने से पहले आपको जरूरी है कि कंप्यूटर के अंदर एक्सप्लोरर होना बहुत जरूरी, लेकिन ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर लिख दो क्रोम, ठीक है, आवाज़ नहीं करे कोई, यहाँ लिख दो क्रोम, क्रोम की स्पेलिंग सही है, चलो भाई ये लिख दिया। अब आपको दिखाई दे रहा गूगल क्रोम डाउनलोड क्रोम टूडे, इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, देखो ये वाला, अब ये आ रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर लो, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ डाउनलोड करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, ये ठीक है। अब अपने पास ऑलरेडी रन कर रखा तो अपन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कैसे रन क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जब पहली बार करते हैं तो उसको रन करना बहुत जरूरी है। अब रन हो गया, कनेक्ट इन टू नेटवर्क, इंटरनेट से, ठीक है, ये इंटरनेट जुड़ गया, फटाफट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब मान लिया कि ये डाउनलोड हो चुका और हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, डाउनलोड हुआ नहीं लेकिन हो चुका अपन मान लेते, ठीक है, सिर्फ इतना ही रहता, बाकी वाला अपना हो जाएगा। आपको है फेसबुक डालना है बेटा, फेसबुक बस जरूरी है, खास फेसबुक, इंस्टा, इंस्टाग्राम जिंदाबाद। शाम के टाइम एक लड़का आता, छोटा सा है, 8-9 में पढ़ता है, और बंदा वो इंस्टा चलाता इतना फास्ट, पता नहीं क्या क्या चला, वो बोलता चैट करता हूँ, किससे करता पता नहीं, चैट करता हूँ, हम साला पीछे रह गए। हम बूढ़े हो गए हैं ना। चलो भाई, इंस्टॉलेशन भी हो रहा है, ये होने के बाद डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, क्रोम को ओपन करें, इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ओपन, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन अपना होगा, अपने करने की जरूरत, ठीक है। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, सब कुछ क्लोज कर दिया, अब इसको कर देते ओपन। ये हमारा गूगल क्रोम जो कि मोबाइल में हमेशा यूज करते सब लोग, करते हैं, सुबह उठते पहले गूगल देखते हैं, उसके बाद बाकी वाला काम करते हैं, नहीं करते क्या, सुबह उठते इंस्टा पे किसका मैसेज आया, दूसरा व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, तीसरा और किस पे मैसेज आते, व्हाट्सएप स्टेटस, किसका स्टेटस, कितने बजे कौन उठता है, जल्दी जल्दी स्टेटस लगाओ, फटाफट पहला स्टेटस हम देखेंगे, है ना। अच्छा है मेरा शाबाश, रात को 1:30 बजे जिगा था,
क्योंकि गाय ने नली तोड़ दी पूरे रात, हालत खराब की दी रही। चलो भाई है? अब अपन देखें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जीमेल इमेज, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी ईमेल आईडी। अब कई बार क्या होता है कि किसी की ईमेल आईडी होती नहीं, इसको लॉगिन कैसे करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड अनोदर अकाउंट, यदि अकाउंट नहीं है जुड़ा हुआ तो आप सबसे पहले अकाउंट जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है। अकाउंट जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार का आ जाएगा। ये आने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बंद करके सो जाना है, ठीक है। लेकिन अपन को काम करना है ईमेल के अंदर, इमेज के अंदर और इन ऑप्शनों के अंदर, यानी कि इसके अंदर और भी क्या क्या रहता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गूगल ट्रांसलेट, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। करते हैं कैसे नहीं करते रे? ऐसा बंदा कोई नहीं जो नहीं इसका यूज करता है, हर बंदा इसका यूज करता है, है? किसी और का करता होगा लेकिन करता जरूर है, सब करते हैं। अगर इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड आता है आपको पता ही नहीं चढ़ता, हम क्या करेंगे, देखेंगे उसको बैठ के, क्या करें, डायरेक्ट ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट इसके द्वारा इस कंप्यूटर के अंदर होगा। आप इंग्लिश ले लो और यहाँ पर जो भी लैंग्वेज लेना वो लैंग्वेज यहाँ से चूज कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ से कर लिया हिंदी, और यहाँ पर जो भी लिखा है वो हम हिंदी में यहाँ ट्रांसलेट कर सकते, लेकिन अभी इसका कोई वर्ड नहीं है तो हिंदी में आएगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या नाम लिखे बोलो, अंबारा, आ गया। यानी कि जो भी आप इंग्लिश में लिखोगे वो अपने आप हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, है? बोल भी सकते हो आप, यहाँ से बोलो इंग्लिश में तो यहाँ हिंदी में हो जाएगा, और हिंदी में चाहिए तो आप इसे ट्रांसलेट करो, यहाँ हिंदी में बोलो यहाँ इंग्लिश में हो जाएगा ऑटोमेटिक। बोल भी कर सकते हो, जरूरी है आपको लिखना, आप बोलते रहो, कोई किताब है हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पढ़ लो, पर लेकिन उच्चारण एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको चय को देव छह बोल रहे हैं, छह को छह बोल रहे हैं, तो वहाँ पर उच्चारण सब गलत हो जाएंगे। लेकिन उसका भी परफेक्ट लैंग्वेज होनी जरूर, लेकिन गूगल भी थोड़ा समझदार है, थोड़ा सी आप गलती होती है उसको सुधार लेता है, आपकी मजबूरी समझ लेता है कि आपकी मजबूरी का आप नहीं बोल सकते तो नहीं बोल सकते, तो बेचारे समझ के थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेता है, ये भी इसकी खासियत है। आया समझ में? चलो भाई, किसी का पैन कार्ड बनाना फ्री में, तो कल जिसके अंदर OTP जाते हैं वो मोबाइल लेकर आना साथ में। दूसरा, आपका आधार कार्ड साथ में लेकर आना, आधार कार्ड के जो भी मोबाइल नंबर जुड़े वो मोबाइल साथ में, यहाँ OTP दे सके तो ही लाना, उसका हम पैन कार्ड बना देंगे फ्री में। 18 प्लस, 18 से कम होगी तो उनका नहीं बनेगा, बनेगा जरूर है? नहीं, 18 साल होना जरूरी है, बना हुआ तो नहीं बनेगा। एक बार जिसने बना लिया उसका दोबारा उम्र कम होती तब कैसा बंदा पता है माइनर में आता है, जिसके अंदर फोटो नहीं आएगा और वो काम नहीं आएगा कहीं पर भी, वो सिर्फ नंबर में हो गए हाँ है, लेकिन उसको दोबारा बनाना ही पड़ेगा, बैंक में काम आ जाएगा वो नॉर्मल कह दूंगी। यानी कि आप माइनर हो, यानी कि आप नाबालिग हो, एज कम है आपकी, उसकी वजह से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसका कहीं और जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ टेम्परली 18 साल के लिए होता है, उसके बाद जैसे 18 साल हो चुकी है तो आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि 18 साल से पहले कभी मत बनाना, पैसे सेम लगेंगे, दो बार लगेंगे, एक तो माइनर में लगेगा 300 रुपये, नहीं अब तो 400 रुपये रहते शायद, 300 250 में OTP के द्वारा बनाते होंगे, और 300-350 लेते होंगे वो ऑफलाइन बनाते होंगे, दो ऑप्शन है। देखो इसमें फ़र्क ये रहता है, अब देखो ऑनलाइन अपन फ्री में बनाते हैं, हार्ड कॉपी नहीं आती, ईमेल में आती है, उसको हार्ड कॉपी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो हम पैसे देके 300-350 देके बनाते हैं ऑफलाइन में, उसमें हार्ड कॉपी आती है और वो अपन पास आता है, लेकिन काम दोनों का सेम है, कोई ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल अलग है उसका इस्तेमाल अलग है, दोनों का ही काम सेम है। एक होता है कि उसका खर्चा नहीं होता इसलिए वो देने नहीं आते, एक अपन पैसे पहले देते हैं तो देने आता कि बेचारे ने पैसे दिए तो हम देने जाए। अगर आपका कोई आधार कार्ड गुम चुका है नहीं मिल रहा है तो आप दोबारा आधार कार्ड मंगवा सकते हो, आ जाएगा बढ़िया सा, 50 रुपये टिकट लगता है और वो आ जाएगा आपके पास बढ़िया सा, और वो भी आएगा PVC में, परमानेंट PVC में। अगर आप दुकान पर जाकर PVC बनाते हो 100 रुपये दे के, 100 रुपये देते हो और वो कुछ दिनों के लिए ख़राब हो जाता है, जैसे अपन उसको थोड़ा घिसेंगे मिट जाता है, लेकिन जो कंपनी से खुद बना के आधार कार्ड खुद बना के देती है वो कभी ख़राब नहीं होता है, वो कभी ख़राब
बेस्ट तरीके से बना हुआ होता और बढ़िया सा बना हुआ था, बढ़िया बना हुआ होता, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे क्या होता है आई लव पीडीएफ, ठीक है। बहुत अलग अलग टॉपिक बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड है, बहुत बेस्ट बेस्ट। किसका ये आधार कार्ड डाउनलोड करने